बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डाइटरी फाइबर्स रीड किए थे। डाइटरी फाइबर्स की टू टाइप होती हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का मेन रोल ये होता है कि कॉन्स्टिपिकेशन और कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती है, काम करती है, और कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर काम करती है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें इसबगोल वगैरह यूज़ करते हैं। और मेनली ये अनडाइजेस्टेबल होते हैं और सिर्फ प्लांट फूड में पाए जाते हैं, एनिमल फूड में नहीं होते। इसके बाद आज हम बैलेंस डाइट रीड करेंगे। बैलेंस डाइट हम डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइट को अपनी बैलेंस रखना, ह्यूमन रिक्वायर वेस्ट टाइप एंड न्यूट्रिएंट इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्थी एंड फिट। ह्यूमन जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं ताकि अपनी बॉडी को हेल्थी और फिट रखें। दीज न्यूट्रिएंट्स शुड बी टेकन प्रॉपरली, एंटरटेन एक तरतीब से रखना चाहिए डाइट में। अब बैलेंस डाइट में डिफाइंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, एज द वन विच कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। अब बैलेंस डाइट में ये होता है कि एक ऐसी चीज़ खाना या जो चीज़ खाना वो नॉर्मली ऐसे हो कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आप अगर रीड करेंगे सम आर एसेंशियल सम आर नॉन एसेंशियल, कुछ जो से हैं कुछ बीमारी में एसेंशियल बन जाते हैं। इस तरह एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेना नॉर्मल ग्रोथ के लिए वो बैलेंस डाइट है। कुछ नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी खुद ही डेवलप कर रही होती है, एज सच बाहर से देने की नीड नहीं होती, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें खुद कंज्यूम करने पड़ते हैं एंड द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में और ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। बैलेंस डाइट रिलेटेड टू वन एज, जेंडर एक्टिविटी, एज के साथ मैटर करती है। जो उनकी एज ज़्यादा होना है वो डाइट करनी चाहिए, जेंडर फीमेल मेल के अलग है। जो एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उन्हें वो डाइट चाहिए, जो लेस एक्टिविटी होती है उन्हें कम ज़रूरत होती है एनर्जी की। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट। वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो उतनी डाइट करनी चाहिए। द फॉलोइंग द चार्ट शो सम ऑफ द कॉमन फूड टेकन बाय फर्स्टेज या कार्बोहाइड्रेट। हम देखते हैं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपन इसमें ये चीज़ें याद रखनी है कि ब्रेड में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। राइस में भी कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, एप्पल में देखें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है। इसके साथ साथ आप चिकन देखें, प्रोटीन से फुल है, कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़ीरो है। बटर में देखें लिपिड ज़्यादा है, बस आपने ये याद रखनी क्या चीज़ किस में ज़्यादा है। मिल्क में तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड बहुत ज़्यादा है, एग में देखें लिपिड बहुत ज़्यादा है। इसके साथ बैलेंस डाइट विद एज एंड जेंडर एक्टिविटी को हम जल्दी से रीड कर देते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड देयर इज हायर मेटाबॉलिक रेट बॉडी सेल्स, सो द बॉडी नीड अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन मोर एनर्जी। जब ग्रोथ पीरियड होता है तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी सेल जो कि होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए बैलेंस डाइट मोर एनर्जी वाली उसे चाहिए होती है। अडल्ट नीड लेस प्रोटीन पर किलोग्राम वेट, अडल्ट होते हैं उन्हें प्रोटीन कम चाहिए होती है, बट ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड मोर प्रोटीन पर किलोग्राम वेट। ये एक एग्जाम्पल ही है कि जो ग्रोइंग होंगे उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो अडल्ट हो चुके हैं उन्हें प्रोटीन नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तमाम बॉडी सेल्स ऐसा अभी ग्रोइंग नहीं है बल्कि एक हद तक बन चुके हैं और उन्हें लेस एनर्जी कमजोर। सिमिलरली चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर ग्रोइंग बोन, एंड इसी तरह बच्चों को ज़्यादा आयरन चाहिए और कैल्शियम चाहिए ताकि उनके ग्रोइंग बोन वगैरह, कैल्शियम आपको पता है बोन्स में रोल प्ले करता है और आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में रिस्पेक्टिवली, जिसको हेमोग्लोबिन होता है वो आयरन ही होता है। इसके बाद आपको देखते हैं जेंडर का, जेंडर हैज़ एन इफेक्ट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, किस तरह होता है। वुमेन हैव कंपेरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट देन मैन ऑफ द सेम एज एंड वेट। अगर सेम एज के अगर 20 ईयर एज ऑफ मैन है और 20 ईयर एज ऑफ वुमेन है तो दोनों का मेटाबॉलिक रेट सेम नहीं होगा, वुमेन का लेस होगा और मैन का ज़्यादा होगा। सो मैन नीड अ बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड कंपेरेटिवली मोर, सो मैन को बैलेंस डाइट चाहिए ताकि वो मोर एनर्जी प्रोवाइड करें। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, वैरायटी ऑफ नेचर ऑफ वर्क, अ मैन विद सेडेंटरी हैबिट, कुछ के लाइफ स्टाइल भी चेंजेस होती हैं उनके भी साथ रोल प्ले करते हैं बैलेंस डाइट। अ मैन विद सेडेंटरी हैबिट डू नॉट वर्क देयर मच एज द मैन हू इज़ नॉट फिट फॉर मोस्ट ऑफ द डे, जो एक रेस्ट पे रहते हैं उन्हें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती, जो मतलब काम नहीं करते, ज़्यादा काम नहीं करते, उन्हें रेस्ट एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसा जो कि पूरा दिन पाँव पर काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं।